मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया देख के, दिल खुश, दिल गार्डन गार्डन हुए। विक्की कौशल की एक्टिंग एकदम मस्त था और ये पिक्चर यूथ के लिए देखने के लिए बहुत बढ़िया है। लोगों से रिव्यू लेने आए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बहुत मूवी के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये जो मूवी है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड बनी है। हमारे इंडिया के जो फर्स्ट मार्शल थे उन पर ये मूवी बनाई गई है, जिन्होंने इंदिरा गांधी को, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको मना किया था वॉर के लिए और उनके किसी डिसीजन को उन्होंने मना किया था, लेकिन अब उनके ऊपर ये मूवी बनी है। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं और लोगों का रिव्यू लेते हैं और कोशिश करते जानेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी, क्या एनिमल को बीट कर पाएगी ये मूवी या नहीं और कितने स्टार्स ऑडियंस देते हैं। चलिए जानते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनको सैम बहादुर मूवी कैसी लगी। तो आपको मूवी कैसी लगी? मूवी तो बहुत अच्छी थी, मतलब हर यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए, ये हिस्टोरिकल उस पर डिपेंड है और तो मैं, बहुत अच्छी मूवी है, मैं रेकमेंड करूंगी कि हर यूथ जाके मूवी। विकी कौशल की एक्टिंग कैसी लगी? रोल को जस्टिस मिला है विकी कौशल की एक्टिंग से? हाँ, विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और रोल को जस्टिस मिला है। आप इसको कितने स्टार्स देना चाहोगे? 5 में से 5 में से 5 स्टार्स। थैंक यू। आपको विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर कैसी लगी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। विकी कौशल की एक्टिंग कैसी लगी? इतनी अच्छी थी, क्या बोलूं, मजा आ गया देख के। यूथ को देखनी चाहिए मूवी? देखनी चाहिए, उनके सबसे अच्छी है। कितने स्टार्स दोगे आप? मैं तो 5 में से 5 दूंगा, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया देख के, दिल खुश, दिल गार्डन गार्डन हुए। और विक्की कौशल की जो मूवी आई है सैम बहादुर, आपको कैसी लगी? विक्की कौशल की एक्टिंग एकदम मस्त था और ये पिक्चर यूथ के लिए देखने के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप इसमें कितने स्टार्स देना चाहोगे? ये पूरा 5 की है। ओके।